चलो रे पाईड़ा देवा बीजेपी में वोट लाड कंवर जी जीते पाया डंका की चोट। बीजेपी में वोट लाड कंवर जी जीते पाया डंका की। Yeah।
अवलेहड़ा को जगदीश जी लावे। भाई मारा सगला लोग रेली माही लुल लुल नाचे। भाई मारा लिखे मेघराज गानो नारायण कुमावत गावे। भाई मारा देव कृपा को म्यूजिक यो तो जोरों बाजे। भाई मारा बीजेपी बनाया उज्ज्वल योजना में गैस का चूल्हा ये दिलाया। नरपत सिंह जी राजवी को फुल है सपोर्ट। लाड कंवर जी जीते पाया डंका की चोट पाया डंका की चोट। डालो रे पाईड़ा देवा बीजेपी में वोट बीजेपी में वोट। लाड कंवर जी जीते पाया डंका की चोट। कराया प्रधानमंत्री सड़क योजना में हर गांव जुड़वाया। अब तो सब करो अमल ऊपर वोट अमल ऊपर वोट। बीजेपी में वोट बीजेपी में वोट। लाड कंवर जी जीते पाया डंका की चोट डंका की चोट। सस्ता इन्वेटर लगा कर उजाला करवाया। उच्च माध्यमिक स्कूल हर पंचायत बनवाया। सौभाग्य योजना में बिजली दी है मुफ्त बिजली दी है मुफ्त। लाड कंवर जी जीते पाया डंका की चोट पाया डंका की चोट। डालो रे पाईड़ा देवा बीजेपी में वोट बीजेपी में। साहब का गेहूं पड़ी तीन चार दाम में सामान हटाई था और साहब एक फोन भी दो और वह
करिए। मित्र आप बताइए, इसके अलावा भी मैं राजू साहब ने अर्ज करूं। सम्मानित मंच, उपस्थित भाइयों बहनों, आज का माहौल तो देखकर लगता है जैसे एमएलए का चुनाव हो। बहुत दिनों से आने का था, एक डेढ़ महीने पहले से, लेकिन जयपुर में भी कोरोना बहुत था और यहां पर चित्तौर शहर तक कोरोना पहुंच चुका था। वैसे तो कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन इलाज इसका अभी तक नहीं मिला। जब तक कांग्रेस थी, धारा 370 का इलाज मिला क्या? नहीं मिला। श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के पिताजी भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश। थोड़ी देर सुन लो भाई, संविधान को नहीं समझो ला, पर बाकी बात समझ लो। और उस समय ये रियासतों का विलीकरण हुआ था। बीकानेर रियासत की तरफ से मेरे पिताजी जाया करते थे श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के पिताजी के पास। अब किस्मत कहां घुमा कर लाती है, एक नई बात बता रहा हूं, किसी अखबार में किसी किताब में लिखी हुई नहीं है, घर की बात। तो उन्होंने कहा कि आप नौकरी करके, अमर सिंह नाम था मेरे पिताजी का, अमर सिंह जी क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू विद दिस लिटिल पेटी नौकरी, छोटी नौकरी के साथ क्या करोगे, डिस्ट्रिक्ट जज तो मैं सुप्रीम कोर्ट का जज ये कहता हूं कि मेरे बेटा ये संविधान बना रहा है, राजस्थान का अध्यक्ष तेरे को बना देता हूं, तुरंत बन जाओ। लेकिन उनके भाग्य में नहीं था, उस समय वो नहीं बने, वो डिस्ट्रिक्ट जज रहे, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमे लड़ते रहे सच्चाई के लिए। और वो किस्मत ने घुमाकर मेरे को यहां पर भेजा, बैरो सिंह जी के यहां पर शादी हुई, झाला साहब यहां पर मंत्री थे वो खत्म हुए, और चित्तौड़ से मेरे को टिकट दिया कि आप वहां से जाकर लड़ो। और सामने कौन थी, भाई जी निर्मला जी, जो मेरे ख्याल से जितने साल की मेरी उम्र थी उस समय 35 वर्षों से वो थी एमएलए एमपी, और उनके पति थे विक्रम सिंह जी यहां पर जिला परिषद के सदस्य। यहां से आरंभ किया तो माता पिता को, भगवान को, माता पिता को, गुरुओं के अलावा अपन डर किसी का नहीं था। गुरु तो हमारे मान्य भैरव सिंह जी शेखाओ, तो उन्होंने राजनीति सिखाई, सारी सारी रात बैठ कर पढ़ता था मैं, और नोट बनाकर देता था 82 के बाद में जितने भी बजट भाषण में देखेंगे आप। और आपने बीच में अगर आज नहीं कहे हमारी अधिक बात राजनीति तो राकन डाल ये बात कह गई, मैं डाल के क्यों बने कई साहब जो आशीर्वाद का ले माते छाई। मैं मोटी बात नहीं करूं, पर एक जरूर कहूं, कहते हुकुम घना फोन भी आया, अरे तुम ध्यान रखना क्या कर रहे हो, नरेंद्र नगर रिकॉर्डिंग भी रहता था, धमकावे तरपावे थोड़ा हुकुम ये हो आवल दो अंदर था, क्योंकि जागीरी को काम बने देवो देवा दरबार की डायरेक्ट जागीरदार पटेल प्रिंस बेटा भी कर दिया लोरे पाईड़ा देवा बीजेपी में वोट लाड कंवर जी जीते पाया डंका की चोट।